डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम नाउ टुडे अवर टॉपिक इज़ फॉर गॉड शेख होल्ड द टंग फ्राम एट्थ क्लास इंग्लिश तो बच्चों ये एट्थ क्लास की इंग्लिश से ये चैप्टर लिया गया है फॉर गॉड शेख होल्ड द टंग तो कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आगे इस तरह से है दाइबल सेज फॉर वी आर स्टम्बल इन मैनी वेज एंड इफ़ एनी वन डज नाट स्टम्बल इन वट ही सेज़ ही इज़ परफेक्ट मैन एबल टू डिडिल हीज होल बॉडी कहते हैं कि जैसे कि फॉर वी आल स्टम्बल इन मेड वेज जैसे कि हम सब ऐसे कामों में पड़ते हैं जैसे बैक बाइटिंग या दूसरे गुना हों एंड इफ एनी एनी वन डज नाट स्टम्बल इन वट ही सेज़ के कोई आदमी ऐसा ना हो जो जो कहता हो उसमें वो अगर करता हो वैसा ही ही इज़ ए परफेक्ट मैन वो एक सही आदमी है एबल टू ब्रीडल हिज होल बॉडी यानि वो हर चीज़ से बचा हुआ है द गीता सेज फ्रीडम फ्राम फेयर प्योरिटी ऑफ हार्ट प्रिजर्वेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज फ्रीडम फ्राम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग कंपेशन फॉर ऑल बींग्स फ्रीडम फ्राम एवराइस आर हीज़ हु इज़ बर्न टू गाड लाइक एंडोमेंट ऑस्टेंटेशन प्राइड आर आयरिस हुईज बर्न टू डिमानिक एंडोमेंट्स कहता है कि एक आदमी गीता के कहने के मुताबिक जो हिंदुओं की होली बुक है उसमें लिखा गया है कि आदमी हर फ्रीडम फ्रॉम फेयर यानी हर तरह की उससे डर जो उससे फ्री हो यानी उसका हार्ट जो दिल जो है वो साफ़ होना चाहिए जो ऐसा आदमी होगा तो जिस फ्रीडम फ्राम द हैबिट ऑफ बैग बाइटिंग यानी बैग बैटिंग किसी की ना करता हो उससे भी वो फ्री हो यानी और फ्रीडम फ्राम एव एवराइस यानी किसी किस्म की लालच ना हो उसको और गुरूर तकबर वगैरह उसमें ना हो और वो आदमी ऐसा है जैसा कि गॉड लाइट यानी जैसा कि वो देवता पैदा होता है ऐसे ही वो आदमी की मिसाल है लाइक वाइज द गुरु ग्रंथ साहिब से कहता है अब गुरु ग्रंथ जो सिखों की होली बुक है उसमें क्या लिखा गया है द सिलेंडर कैरीज़ द ग्रेट बर्डन ऑफ सेंस विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड कहता है कि सिलेंडर जो है जो दूसरे के बारे में बुरी भली बातें कहने वाला ऐसा हुआ जैसा कि उसने ऐसा गुनाहों का इतना बोझ उठाया हो जैसा कि किसी को विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड पैसे ना मिले और उसे वो लोड उठाना पड़े दूसरी वो बोझ उठा के दूसरी जगह लेना पड़े ऐसे ही है जो सिलेंडर दूसरों की बातें करने वालों का लार्ड बुद्धा इन हिज एट फोल्ड पासेस सेज दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच लार्ड लाड बुद्धा जो उनके जो एट फोल्ड पाथ है उसमें क्या कहा गया है कि एक इंसान को ऐसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जिसमें यानि राइट स्पीच वो जो सही बोलने वाला सही बोलना चाहिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में तो ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए रबी समियन बिन गमाली वन सैड टू हिज सर्वेंट गो टू तो द मार्केट एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट तो, तो रबी सम ने एक बार अपने नौकर से कहा कि बाज़ार जाओ और मेरे लिए वहाँ से कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए लाओ द सर्वेंट विंट एंड बॉट इ ट तो नौकर गया और उसने क्या ख़रीद के लाया एक जुबान खरीद के लाई वहाँ से एन एन अदर एक ओकेजन द रबी सैड गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग दैट इज़ नॉट गुड तो दूसरी बार जब रबी समी उन जो था वो मार्केट गया उसने उसको बोला अपने नौकर को कि जाओ मार्केट और मेरे लिए वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लाओ जो अच्छी ना हो द सर्वेंट वेंट एंड बाट ए ट वंस अगेन नौकर गया और उसने दोबारा एक ज़ुबान खरीद के लाई दिस टाइम द रबी सैड टू हिम एंगरली तो इस बार रबी समी ने अपने नौकर से बड़े गुस्से से बात की वट डज़ दिस मीन तो इसका क्या मतलब है वेन आई टोल्ड यू बाई सम देट वॉज़ गुड जब मैंने आपको भेजा कि कोई अच्छी चीज़ वहाँ से ख़रीद के लाओ बाज़ार से यू बाट इट टाओ वन टोल टू बाय समू बाट टंग अगेन तो जब फिर मैंने आपको भेजा कि कोई चीज़ ऐसी लाओ जो अच्छी ना हो तो तब भी आपने एक ज़ुबान ख़रीद के लाई द सर्वेंट रिप्लाइड सर नौकर ने जवाब दिया फ्राम द टंग ई द गुड एंड ऑल्सो द बैड कहता है जहाँ की तंग ये ज़ुबान के मसले यही होते हैं कि अच्छे भी है होता है और बुरा भी होता है देर इज़ नथिंग बैटर देन ए गुड टंग एंड नथिंग वोर्स देन एवल यहाँ कोई इतना अच्छा नहीं जिस तरह की ज़ुबान होती है और ना ही इसकी तरह बुरा है जैसे गुनाह सरजद होते हैं सोन आफ्टर दैट इंसीडेंट तो उसके बाद जब ये इंसीडेंट हुआ तो उसके बाद ये दरअी इन्वाइट हिज डिसिपल टू ए मील एट विच बहुत सॉफ्ट एंड हार्ड टंग्स वेयर सर्व तो उसके बाद जो रबी था उसने अपने जो डिसिपल उसके चेले थे उनको खाने पर बुलाया और उसने वहाँ पर उनको सख्त और नरम जुबान जो थी वही खाने में सर्व की द डिसिपल एट द साफ्ट वन एंड लेफ्ट द हार्ड वन अन तो जो डिसिपल थे उन्होंने क्या किया जो नरम वाली जबाने जो थी वो खा ली और जो सख्त थी उन्हें हाथ लगाने के बग़ैर ही छोड़ दिया नोटिसिंग दिस द रबी सैड टू हिज डिसिपल जल जब उसने ये देखा तो उसने अपने उन डिसिपल से पूछा एज़ यू चूज द सॉफ्ट टंग्स एंड रिजेक्ट द हार्ड वन सो आल्सो यूज ऑनली सॉफ्ट टंग इन यू आर कन्वर्सेन विद वन एन अदर क्या आपने ये जो किया आपने तो किस तरह साफ जो टंग थी वो खा ली और जो सख्त थी उनको छोड़ दिया तो इस तरह जब आप किसी दूसरे के साथ बातचीत करते हो तो वैसे ही करते हो इन दिस कंटेक्सट ए कोटेशन बाय कार्स इज़ वर्थ मेंशन तो कारल्स की एक ये कोटेशन दी गई है यहाँ पे गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी लेस्ट इट टेक prison. प्रिजनर ए वड अन स्पोकन इज़ लाइक दर्ड इन दैबर्ड दाइन इफ़ेड दर्ड इज़ इन एनदर्स हैंड इफ़ दाउट डिज़ायर टू बी हेल्ड वाइज बी सो वाइज एज़ टू होल्ड द ट कहता है कि जुबान को पूरी तरह आज़ादी नहीं छोड़नी चाहिए इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए इसको कैद यानि बंद होल्ड यानि इसको अपने काबू में रखना चाहिए तो इसको अगर खुला इंसान छो, छोड़ेगा तो उसका मतलब हुआ कि जब इससे कोई ऐसा लफज सरजद हुआ बोला ज, गया तो वो ऐसे है जैसे एक तलवार की तरह वो किसी को लग जाता है इफ़ेंटेड वर्ड इज़ इन अदर हैंड अगर इस दूसरी तरफ हम इस लफ्ज़ को देखेंगे तो इफ़ द डिज़ायर टू बी हेल्ड वाइज सो तो वाईज एज टू होल्ड द टंग। अगर आपको दाना बनना है तो आपको अपनी ज़ुबान पे होल्ड रखना है काबू में रखना है वन शुड एज सच ऑलवेज रिम्बर दिस इम्पॉर्टेंट लेसन सो दैट वी मे रिफ्रेन फ्राम द मेलाइस ऑफ स्केंडल मॉनगेटिंग एंड बैक बाइटिंग कहते एक आदमी को ये सबक याद रखना चाहिए कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना चाहिए तो और हर चीज़ को अवॉइड करना चाहिए यानी कि किसी को हारम नहीं करना चाहिए अपनी ज़ुबान से किसी को ताकि कोई इसको हा हारम ना करें हम किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचाएँ तो और बैग बाइटिंग ना करें किसी की मोर एवर वी शुड ऑलवेज रिसाइड दिस इम्पॉर्टेंट प्रेयर तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए माई गॉड गॉड माई टंग फ्राम इवल एंड माई लिप्स फ्राम स्पीकिंग डिसीट ए खुदाया मेरी ज़ुबान को काबू में रखना और मेरे मुंह से कोई ऐसा लफज निकले जो मिसलीडिंग करे बी माई सोल साइलेंट टू दोज रिप्रोच मी बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट के मेरे रूह को ऐसा रखना कि ताकि किसी को मेरी तरफ से कोई नुकसान न पहुँचे और मेरा सोल यानी मैं दूसरे का यानी हम्बल दूसरे का मैं क्या रहूँ ताबेदार हूँ दूसरे आदमी का तो यहाँ नीचे कोई वर्ड्स मीनिंग है दाए ओल्ड यूज़ यू आर दी ओल्ड यूज़ यानी यू स्कैबर्ड ए लॉन्ग थिन कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वर्ड विच इज़ यूजली फिक्स टू ए बेल्ट दा ओल्ड यूज़ है ये भी यू आर डू डाउन टू बिल बिलिटल मोमिलेट सम वन वेंट टू रियलाइज आर एक्सप्रेस एन एमोशन एडमिनेश टू एडवाइज समर नाट टू डू सम स्कैंडल मॉन्जर ए परसन हू स्प्रेड मेलिशियस टॉक अबाउट अदर पीपल कंडेम टू क्रिटिसाइज समन आर समन स्ट्रोंगली मिमिक्री टू कापी द साउंड आर मूवमेंट ऑफ अदर्स दूसरे किसी की नकल वगैरह लगाना सर्सिजम रिमार्क्स दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ वट दे सीम्स टू सेटल टू मेक एन एक्शन आर ए परसन सीम अनइम्पॉर्टेंट सीट्यूड रिजम्बल्स एग्ज़म्पल तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ ओके चिल्ड्रन अल्लाह